गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गगनदीप। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग निकिता। वेयर इज समीर, यशराज, सीमा, विनय, मंथन, संजना, यशराज, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। विनय, बहुत सारी कैडबरी खाई है तुमने आज के लेक्चर में मैडम से, और पार्ले जी भी खाया है। हो, सैंडविच भी खाई है, चॉकलेट भी खाई है। मंथन ने टैबेको खाया है। ओ हो, सीमा तो आशीर्वाद आटा खाती है। पता नहीं क्या क्या खाया तुमने आज। तो अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। अभी ओनली 5 स्टूडेंट्स सेइंग गुड मॉर्निंग। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट? गगनदीप ने, संदीप ने, निकिता ने, विनय ने, यशराज। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट्स? हियर आई शोइंग ओनली 6 अटेंडीज आर देयर। Out of this, Seema not saying the good morning. Okay, so let's start our topic. Next chapter, the name is Other Forms of Market, chapter number 12th and page number 74. Page number 74, chapter number 12th. Other Forms of Market. गुड मॉर्निंग समीर, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। लेकिन अगर मैं बात करूं संदीप, तो आप जो है क्लासेस रेगुलरली नहीं लेते हैं, इसका बहुत ज्यादा दुख है। एक दिन आते हो और 3 दिन एब्सेंट। That's not right. आपको ये चीज यदि करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये देखो, बहुत बढ़िया सीमा, गुड मॉर्निंग, आ गए आप घूम फिर के। चलिए, क्या कह रहे थे आप बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड, ओके। और बाकी स्टूडेंट ने तो काम किया नहीं होगा, क्योंकि जिसने किया वही पूछ रहा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जवाब सुनिए। एक्सप्लेन प्राइस डिटरमिनेशन of an industry in perfect competition market with the help of a figure. तो देखिए, इसको एक डायग्रामेटिक समझाना है, डायग्राम बनाकर समझाना है। तो इसके अंदर वही डायग्राम बनाना है, कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मतलब यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर जो भी सेलर है वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं करते हैं। वहां पर पूरा का पूरा जो मार्केट है, पूरा इंडस्ट्री है, वो प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो उस केस में यहाँ पर
देखिए कैसे इसको करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पेज नंबर 73 है, चैप्टर नंबर 11 का, और इसमें सेकंड ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो कि संदीप ने पूछा है। एक्सप्लेन प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो आप देखिए ये आपका डायग्राम है। बहुत बढ़िया बेटा मंथन, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, इतना जल्दी आने के लिए थैंक यू। ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा बेटा, ये डिमांड कर्व बनाइए। अब डिमांड कर्व आपने बनाया तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैसे इसको करोगे, पहले डिमांड को अच्छे से समझाओगे, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लोगे डिमांड का, फिर एग्जाम्पल लेने के बाद में ये डिमांड कर्व बनाकर और इसको अच्छे से समझा दोगे। फिर सप्लाई का बनाओगे, फिर क्या करोगे, सप्लाई का बनाओगे। सप्लाई में देखिए आप क्या करोगे, ये सप्लाई कर्व बनाओगे ऐसे। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, सप्लाई के डायग्राम को समझाओगे, सप्लाई क्या होती है पहले वो समझाओगे, पहले डिमांड को समझाओगे अच्छे से, फिर सप्लाई को समझाओगे अच्छे से, देन दोनों समझाने के बाद में आप फिर क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दोगे। जब आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो फिर इसके अंदर ये तो डिमांड कर्व बनेगा और ये सप्लाई कर्व बनेगा। फिर आप इसके अंदर बताओगे कि जहां पर दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, और जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस पॉइंट पर जो भी प्राइस होगी वो मार्केट की प्राइस होगी, वो इंडस्ट्री ने प्राइस को तय कर लिया है, वो डिसाइड होगी यही प्राइस। तो यहाँ पर देखिए प्राइस को प्राइस डिटरमाइन कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस है कितनी, 35। तो यहाँ पे पता चल गया कि अब इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी है, 35 रुपीज एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, वेयर द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट दैट पॉइंट वी मेक द प्राइस एंड दैट प्राइस विल बी द मार्केट प्राइस, इंडस्ट्री प्राइस, ठीक है ना, सो वी कैन डिटरमाइन दिस प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो समझ में आया क्या आपको ये चीज संदीप? चलिए तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है, 12 चैप्टर है, तो वो देखिए सभी बच्चे, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अदर फॉर्म ऑफ मार्केट, अदर फॉर्म ऑफ मार्केट। देखिए हमने बात करी थी एक डायग्राम की, पेज नंबर आप निकालिए, आपको मैं बताता हूँ, 70, पेज नंबर 70 निकालिए एक बार सभी। निकाल लिया सभी ने? तो आप सब इसके अंदर देखिएगा, जो
लास्ट में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो उसके अंदर आप देखिए सबसे पहले एरिया के बेसिस पर मार्केट को क्लासिफाई किया, तो कौन कौन से थे, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। फिर गुड्स के बेसिस पर मार्केट को डिटरमाइन किया, बताया, क्लासिफाई किया, तो वो कौन कौन से, नॉर्मल गुड्स मार्केट, स्पेसिफिक गुड्स मार्केट, सेल बाय सैंपल गुड्स मार्केट और बाय क्लासिफिकेशन मार्केट, ये सारा भी हमने पढ़ा। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने मार्केट को क्लासिफाई किया, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। देन उसके बाद में हमने कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट को क्लासिफाई किया, तो कंपटीशन में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब उसके बाद में हमारा जो आ रहा है 12th नंबर का चैप्टर, वो है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट खत्म होने के बाद में इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन दो होते हैं ना, तो इम्परफेक्ट के दो पार्ट हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डियोपोली। देखिए इम्परफेक्ट के भी तीन पार्ट हैं, इम्परफेक्ट के भी तीन पार्ट हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डियोपोली, लेकिन इनको बाद में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोपोली। तो अब आप वापस से आ जाइए आपके चैप्टर 12 पे, 74 पेज नंबर पे आ जाइए, 74 पेज नंबर पे आ जाइए दोबारा आप वापस अभी, और उसमें आप सबसे पहले जो मोनोपोली है उसको हम समझते हैं। देखिए मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, पॉली का मतलब हो गया सेलर, तो ऐसा मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है, ऐसा मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है वो मार्केट कौन सा मार्केट कहलाता है, मोनोपोली मार्केट। मतलब उसके कंपटीशन में कोई दूसरा सेलर नहीं है, वो केवल अकेला ही वहां पर है, उसके अलावा कोई दूसरा वहां पर वो प्रोडक्ट को क्या नहीं करता है, सेल नहीं करता है, तो वो कौन सा मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट। वो कौन सा मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट। तो द मार्केट इन विच सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। बोलिए पहला जो मैंने बताया मोनोपोली का मतलब, ये समझ आया क्या सभी को? मंथन, संजना, संदीप, गगनदीप, समीर, सीमा, निकिता, यशराज, विनय, गगन ने कहा यस सर, सीमा ने भी कहा, निकिता, संदीप, यशराज, इन्होंने भी कहा यस सर, कह रही है सर यस सर। बाकी बाकी और कहां पर है, मंथन, विनय, समीर, देखिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो मैंने आपको कहा मोनोपोली, अब ये तो मोनोपोली बताया मैंने, मोनोपोली मार्केट के बारे में आपको समझ ही आ गया होगा कि मोनोपोली मार्केट वो मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है, वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और वो मार्केट के अंदर जो
पीपल है जो उनको गुड्स को सेल करता है। तो आप बताइए क्या बेनिफिट होंगे सिंगल सेलर के, यदि आप सोचो ऐसा मार्केट जहां पर केवल एक ही सेलर हो, एक ही सेलर हो, उसके क्या बेनिफिट होंगे? उसके तो मजे हो जाएंगे, उसके तो चांदी चांदी हो जाएगी, चांदी क्या सोना सोना हो जाएगा, बताओ मजे हैं या नहीं है उसके? यस, सीमा कह रही है वेरी गुड। हाँ देखिए, निकिता का भी सही जवाब और सीमा ने भी कहा वेरी गुड। सीमा, गगनदीप भी कह रही है यस सर, मजे हो जाएंगे उसके तो, वो तो उसके चारों पांचों 10 और 20 पैरों की और हाथों की 20 उंगलियां पूरी किस में आ जाएगी, घी में। अपन तो कहते हैं पांचों उंगलियां घी में, मैं कह रहा हूं उसकी 20 उंगलियां घी में हो जाएगी। क्योंकि वहां पर एक ही सेलर है और वो अपनी मनमर्जी करेगा, प्राइस रखेगा उतनी रखेगा, कस्टमर को लेना है तो लो वरना मत लो, क्योंकि वहां पे दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो मजबूरन पब्लिक को वहीं से ही क्या करना पड़ेगा, गुड्स को खरीदना पड़ेगा। और खास बात ये भी है कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स रखेगा नहीं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि इस ये महंगा है, इसके जगह आप ये खरीद लो ये सस्ता, ऐसा नहीं रखेगा, एक ही चीज रखेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब भी क्या होता है, कस्टमर जैसे कोक और पेप्सी हो गया, तो पेप्सी अगर महंगी है तो कोक खरीद लेगा सस्ती, या कोक महंगी है तो पेप्सी खरीद लेगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर वो ऐसा नहीं करेगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स रखेगा ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो सिंगल सेलर होता है तो हम इसकी पहले वाली जो लाइन है वो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मोनोपोली का जो हेडिंग है वो देखिए, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, वो सिचुएशन है वेयर अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस सच गुड्स विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर। तो दो दो चीजें मैंने इसके अंदर बताई थी, मार्केट जिसके अंदर एक ही सेलर होता है वही उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बताई थी, यहाँ पर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? कंज्यूमर के लिए चॉइस नहीं है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं, जो है वही चीज आपको खरीदनी पड़ेगी। तो वो क्या है, उसको ही बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बोलिए, ये चीज जो मैंने अभी तक बताई है आपको समझ आई क्या? देखिए माइक ऑन करने की कोशिश करिए जो भी कर सकता है। गूगल क्रोम की सेटिंग में जाकर और फिर उसके बाद में आगे वहां पे वो जो आपका ओपन हो रहा है ना पेज, वहां पे लिखा हुआ है कंटेंट में जाना है,
फिर उसको वहां पे अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली माइक ऑन हो जाएगा आपका। तेरे को जरूरत भी नहीं बेटा समीर करने की माइक ऑन, क्योंकि तू वैसे ही एक दिन ही तो आता है, अब 4 दिन तेरे को वैसे ही जरूरत नहीं है। बेटा सब हो जाता है, वो तुमको करना ही नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा। अभी ऐसी बात तो है नहीं कि होता नहीं, सब होता है। अब कोई कह रहा है कि मेरा ब्लॉक हो रखा है, कोई कह रहा है ये कुछ भी ब्लॉक नहीं है, तुम्हारे वहीं पे ही सेटिंग करनी पड़ती है, और वो तुमसे हो नहीं रही है इसलिए वो तुमको आ नहीं रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, तो आप देखिए पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। बर्थडे है क्या समीर का? मैंने सोचा कि कोई वहां पे घर पे जागरण गीत वगैरह ये चल रहे होंगे, या फिर पास में लड़ाई हो गई होगी, इस वजह से अभी ऑन करेगा तो वो लड़ाई सुनाई देगी यहाँ पे, इस वजह से ऑन नहीं कर रहा है। तो देखिए मोनोपोली मार्केट जो है उसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो देखिए। इन अ मोनोपोली मार्केट देयर मस्ट बी ओनली वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन सप्लायर। चॉकलेट बेटा समीर, चॉकलेट खिला देना आप, या फिर पार्टी दे देना सभी को एक जगह मिलकर, मैं कहीं पर भी मैकडी में या कहीं पे भी बढ़िया जगह मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। चलिए आप देखते हैं, इन अ मोनोपोली मार्केट देयर मस्ट बी वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन सप्लायर। ऐसा मार्केट जहां पर एक ही प्रोड्यूसर हो, एक ही सेलर हो, ठीक है ना, और एक ही सप्लायर हो, तो वो सब क्या है, एक ही है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, मोनोपोली मार्केट कहलाएगा। तो ऐसे मार्केट के अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, ये सेकंड पॉइंट दे रखा है। गुड्स प्रोड्यूस हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तीसरा पॉइंट क्या है देखिए, देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस, देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस। कैसे? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, चेंज डिमांड में, चेंज होना डिमांड में, चेंज होना मतलब यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ही नहीं, यही प्रोडक्ट मुझे खरीदना पड़ेगा, तो उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जितनी दिन पहले इसमें खरीद रहा था उस प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट खरीदेगा अभी भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो किस इस मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है डिमांड की, वो क्या है, वेरी लेस, मतलब बहुत कम है। आप फिक्स हो आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो खरीदना है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, बिल्कुल नेगेटिव, मतलब लेस है, ठीक है, बहुत कम है, या जीरो भी बोल सकते हैं। बोलिए, ये पॉइंट भी समझ आया सभी को, थर्ड वाला? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा आगे,
नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, मोनोपोली फर्म इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। देखो वहां पर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड कर रहे थे? पूरा मार्केट, पूरा इंडस्ट्री मिलकर एक प्राइस रख रहे थे पूरे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सेलर जो था ना वहां पर, वो क्या कर रहा था, जो भी इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है उस प्राइस पर सेलर उस गुड्स को क्या करता है, बेचता है। अपनी तरफ से कोई प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, इसलिए वहां पर अगर हम बात करें तो वो मार्केट जो है वो पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, वहां पे जितने भी पूरे सेलर है, तो वो प्राइस डिसाइड कौन करता है, वो पूरा मार्केट, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस जगह यहाँ पर, मतलब मोनोपोली के अंदर बात करें, नहीं बेटा सीमा, आगे से कोई सेटिंग बंद नहीं है आपकी ही, आपने भी तो ओपन किया था ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोनोपोली जो मार्केट है यहाँ पर, ये जो इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिसाइडर कौन है, यहाँ पर प्राइस कितने पर गुड्स को बेचना है वो कौन डिसाइड करता है, वो सेलर ही, सिंगल सेलर। तो यहाँ पर मोनोपोली जो फर्म है, मोनोपोली जो फर्म है, मतलब सिंगल सेलर का जो बिजनेस है, वही क्या कहलाएगा यहाँ पर, इंडस्ट्री कहलाएगा। क्योंकि वहां पर तो पूरे इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे, लेकिन यहाँ पर पूरे इंडस्ट्री में एक ही सेलर है, तो यही क्या कहलाएगा आपका, इंडस्ट्री कहलाएगा। मोनोपोली मार्केट के अंदर यही क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री, और यही अपने अकॉर्डिंग प्राइस भी सेट करेगा। तो वहां पर तो इंडस्ट्री और फर्म के अंदर डिफरेंस था, वहां पर तो इंडस्ट्री और फर्म के अंदर डिफरेंस था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। कैसे, फर्म तो बहुत सारी थी, लेकिन जितनी पूरी फर्म है वो उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर थी, तो वहां पे पूरे मार्केट को क्या बोला था, इंडस्ट्री बोला था, ठीक है ना। वहां पे पूरे मार्केट को क्या बोला, इंडस्ट्री बोला। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक ही सेलर है, यहाँ पर एक ही सेलर है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्म जो है ना, जो बिजनेस है, वही यहाँ पर इंडस्ट्री है, क्योंकि फर्म ही यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइस को डिटरमाइन कर रही है कि किस प्राइस पर मेरे को गुड्स को बेचना है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री और फॉर्म दोनों एक ही चीज है। तो बोलिए, ये भी पॉइंट समझ में आया सभी को? अब हम आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की। द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और वैसे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। विच सिग्निफाइज डेट अ मोनोपोलिस्टिक कैन सेल मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइस। ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लार्जर प्रॉफिट होगा। हाइयर प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी को सेल करना, तो इससे क्या होगा, हाइयर प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोला, एस सच द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक इज सिचुएटेड बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व से ही कम होगी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इसको हम डायग्रामेटिक समझेंगे पूरा अभी डिटेल में, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये वाली लाइन जो लास्ट वाली लाइन बताई है मैंने। इसके आगे हम बात करते हैं, तो वो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कैन डिटरमाइन इधर प्राइस और सप्लाई, ही कैन नॉट कंट्रोल बोथ प्राइस एंड सप्लाई एट वन टाइम। इफ ही डिटरमाइन द प्राइस ऑफ हिज गुड्स देन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या कि इधर कैन डिटरमाइन द प्राइस और सप्लाई, ठीक है ना, जो कि कितनी रखनी है गुड्स की, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड आती है तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई कितनी करनी है, ये डिटरमाइन जो किया जाता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर किया जाता है। भाई अगर आप प्राइस किसी गुड्स की डिटरमाइन कर लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि प्राइस को सेट करते ही मार्केट में क्या डिमांड है लोगों की वो आपको पता चल जाएगी। जब ये पता चल जाएगा मार्केट में डिमांड कितनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना। प्राइस का सेट करते ही मार्केट में डिमांड का पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई भी करोगे। अब ऐसे मार्केट के अंदर सबसे मेन जो जो चीज होती है वो क्या है, यहाँ पे अर्निंग मोर प्रॉफिट। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है मेरे यहाँ पे कंपैरिजन कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है नहीं है, कोई दूसरा सेलर भी नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी करता है वहां पे, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि यहाँ पर जो नया कोई भी सेलर उस मार्केट में यदि एंटर करना चाहता है तो वो उस मार्केट में उसको एंटर करने नहीं देता है। उसको पता है जब यदि ये मार्केट में हमारे साथ में अगर बिजनेस करने लग गया तो फिर कंज्यूमर्स को ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं मेरे गुड्स को किससे खरीदूं, तो वो चाहता है कि उस मार्केट के अंदर कोई दूसरा सेलर नहीं आए। इसलिए यहाँ पर क्या है, फ्री एंट्री नहीं है, फ्री एंट्री नहीं है, नो फ्री एंट्री। तो बताइए ये सारे फीचर्स जो मैंने बताए समझ आएगी आपको सभी को। हाँ मतलब एक सेलर होगा आपकी ही शॉप है वहां पे और किसी की नहीं है, तो आप चाहोगे क्या कि कोई दूसरा भी आके आपके पास में बगल में एक और शॉप खोल ले, तो आपका नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर को ऑप्शन मिल जाएगा कि यार ये तो सामान महंगा देता है, मैं इससे खरीद लेता हूँ, ये सस्ता देता है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो वो चाहेगा कि यहाँ पर कोई भी दूसरा सेलर अपनी शॉप ना खोल सके, तो फ्री एंट्री नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई भी ऐसे आ नहीं सकता है या फिर जा नहीं सकता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा पहले वाले सेलर को, इसलिए यहाँ पर फ्री एंट्री नहीं है। बाकी सभी को आ गया,
गगनदीप आ गया, गगन को तो बोल दिया था इसने तो। सीमा, संजना, संदीप, निकिता। ओके तो आप देखिए, इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये सारे 8 पॉइंट खत्म हो गए हैं उसके बाद में। इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। देखिए, समटाइम प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन इज सो इन्फ्लुएंशियल्स दैट अ कंज्यूमर रिकॉग्नाइज अ कमोडिटी बाय इट्स ब्रांड नेम। कभी कभी जो एक प्रोडक्ट होता है वो एक कंज्यूमर की पहचान होती है, एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कोई भी चीज वही खरीदना चाहता है क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन मीन्स, इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मैनेज फाइनेंस एज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि किसी बिजनेस को तुरंत जल्दी से जल्दी लोन नहीं मिल सकता है, वहां पर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस है। लोन लेने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। कैपिटल को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अरेंज करने में। स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शन, अलग अलग पॉइंट के बारे में बताया। यहाँ पे पहले फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन बता दिया, अब यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शंस। स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है। लाइक जैसे गवर्नमेंट इश्यूज पेटेंट टू मेनी फर्म्स विच इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड अ फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर। मतलब गवर्नमेंट ने एक ही व्यक्ति को, एक ही बिजनेस को वो लाइसेंस दे रखा है कि आप ही होलसोल क्या हो, एक ओनर हो, आप ही इसको कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं मोनोपोली मार्केट का, वो है रेलवे। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इस वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी देखती है, गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी देखती है। इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट, जो अर्निंग की बात करें तो वो ज्यादा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ए आप देखिए, रेलवे है ना, जो पूरे भारत में एक ही डिपार्टमेंट है, रेलवे के अलग अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो कौन हो गया, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना वो हमको, तो वो एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्शंस लाइक द गवर्नमेंट इशू पेटेंट टू मेनी फर्म्स विच इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड फर्म इज द सोल ओनर। वहां पे फर्म क्या, उसका सोल ओनर है, जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए वो उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डिग्री ऑफ लाइसेंस फॉर इंस्टेंट अ टीचर कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन विदाउट अ मेडिकल डिग्री। अब मेडिकल डिग्री लिए बगैर आप क्या नहीं कर सकते हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से अगर हम बात करें, सबसे पहले उसको क्या लेना पड़ेगा, मेडिकल की डिग्री लेनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल दिए हैं इस पैराग्राफ में, ऐसा सच ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक रीजन प्रोवाइड टू बी अ ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस इन द फर्म डिक्लाइंस ड्यू टू द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स हिंड्रेंस इन द एंट्री ऑफ फर्म्स। मतलब फर्म्स की कुछ एंट्रीज है, उसमें भी बहुत सारी परेशानियां होती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, आप इस पैराग्राफ को छोड़ भी सकते हो। इसके अंदर 8 पॉइंट है, उन 8 पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, सोर्स ऑफ मोनोपोली। सोर्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला, देयर आर मेनी रीजंस ऑफ द एमरजेंस ऑफ मोनोपोली सिचुएशन। अलग अलग एमरजेंसी आती ही रहती है। तो द चीफ अमंग देम इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। और उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म को एंट्री देना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा रिस्की है,
दे आर थ्री मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज रेस्ट्रिक्शन। तीन फैक्टर इन्होंने बोले, ये तीन फैक्टर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है उन रेस्ट्रिक्शंस के लिए। तो वो क्या है? पहला पॉइंट, द कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर ओवर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर ओवर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। एक कोई भी प्रोडक्ट को हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में जब हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके ऊपर क्या करे जाए, कंट्रोल किया जाए ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम लेकर आई जा सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोला, द पेटेंट राइट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल इज गुड्स। एक होता है कि गवर्नमेंट ने ही इस फर्म को क्या दिया है, एक पेटेंट राइट दे दिया कि आप अकेले ही इस बिजनेस को यहाँ पर चला सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं चलाएगा। तो इसका मतलब उस बिजनेस का आपको क्या मिल चुका है, पेटेंट मिल चुका है, पेटेंट राइट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्केल अ फर्म प्रोड्यूसेस एट अ लो कॉस्ट कंपेरेटिव विद अदर फर्म। यदि आपकी फर्म जैसे कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो वो अभी तो चलो ठीक है, आपके पास में कोई भी सेलर नहीं है, लेकिन अगर कोई सेलर आ भी जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपेरेटिव दोनों में से कम प्राइस पर उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्म क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा ये चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकें, लो कॉस्ट पे अवेलेबल करवा सकें कस्टमर्स को। तो ये तीन पॉइंट इन्होंने बताया कि यहाँ पर मोनोपोली जो है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। आगे नेक्स्ट जो है ना वो हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं मोनोपोली के, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। तो प्लीज साथ की साथ इसके नोट्स भी तैयार करते रहिएगा आप, ठीक है, और लास्ट चैप्टर के भी आप नोट्स तैयार करिए। ठीक है, अगेन समीर हैप्पी बर्थडे, और पार्टी देनी है आपको तो प्लीज फोन कर देना मुझे।